यूपी के फिरोजाबाद से एक बड़ी खबर, जहां थाना सिकोआबाद के अंतर्गत आसपास के इलाकों में पुलिस बनकर लोगों से ठगी व लूट करने वाले तीन लुटेरों को सिकोआबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। फिरोजाबाद के थाना सिकोआबाद के अंतर्गत आसपास के इलाकों में पुलिस बनकर लोगों से ठगी व लूट करने वाले तीन लुटेरों को सिकोआबाद पुलिस ने धर दबोचा। ये कार्यवाही मुखबिर की सूचना पर की गई। पकड़े गए साथियों में से तीन साथी मौके से फरार हो गए, जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। कुछ दिन पूर्व पुलिस का सिपाही बनकर सिकोआबाद से ही की थी 50,000 की टप्पेबाजी। अब तक कई घटनाओं को दे चुके हैं अंजाम। पकड़े तीनों अभियुक्तों के कब्जे से 3 बाइक, 2 तमंचे, 24,000 रूपए व गाड़ियों के साइलेंसर, चिमकी की मिट्टी भी बरामद की गई। ये जानकारी क्षेत्र अधिकारी सिकोआबाद कमलेश कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए फिरोजाबाद से शेरे नवी की रिपोर्ट। सूचना मिलने पे पुलिस चेकिंग कर रही थी, सूचना मिली इस पे जो है कुछ बदमाशों को पकड़ा गया है, जो पूर्व में भी लूट और चोरी करते रहे हैं। इनके पास से जो है साइलेंसर का कुछ ये मिट्टी होता है वो भी बरामद किया गया है, तमंचे बरामद किए गए हैं, कारतूस बरामद किए गए हैं और पूर्व में लूटे गए इनकी निशानदेही पर पूर्व में लूटे गए माल का कुछ पैसा बरामद किया गया है। अभी कुछ दिन पहले जो है ये पंजाब नेशनल बैंक से एक व्यक्ति पैसा निकाल कर ले जा रहा था, तो अपाचे बाइक से एक उससे जो है पुलिस वाला बनकर पैसे ले लिए थे उसके 50,000 रुपये। तो उसमें जो व्यक्ति था वो कल पकड़ा गया है और उसकी वो बाइक पकड़ी गई है, जिस बाइक से उन्होंने, वो व्यक्ति जो है कुलदीप नाम का एक व्यक्ति है जो ओछा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। और ये व्यक्ति कई जगहों पे जो है पुलिस वाला बनकर और इस तरीके की जो है टप्पेबाजी करता था। अब तक सर कितनी घटना को ये लोग अंजाम दे चुके हैं और कितने इनके साथ जंग में शामिल हैं? देखिए अभी तक जो पूछताछ हुई है उसमें इसने बताया कि ये जो है सिकोहाबाद में ऐसी 2 घटनाओं को अंजाम दे चुका है और कल भी जो है ये इस प्रकार की एक घटना करने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले पुलिस ने इसको पकड़ लिया और आगे इन लोगों को जो है माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।